अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आसमान किचन में। चूंकि आम का सीजन चल रहा है तो मैं आज आपको कच्चे आम की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी बताऊंगी, और इस रेसिपी का नाम आम की लौज है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम की लौज बनाने के लिए हमने सबसे पहले 700 ग्राम कच्चे आम ले लिए हैं, जिनको हमने छील के रख लिया है और काट भी लिए हैं, और कुछ हमने आपको दिखाने के लिए रख लिए हैं। आइए आपको ये काट के दिखाते हैं। ये हमने अच्छे से छील लिया है, पहले इनको धोया है फिर इनको छील लिया है। देखिए ये निकाल देंगे हम इसकी, और इसको इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये देखिए हमने सारे अपने कच्चे आम कट कर लिए हैं, और आइए इसको बनाने के लिए जो मसाला हमें चाहिएगा दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने एक मीडियम साइज की प्याज ले ली है, इसको भी हम कट करके पीस लेंगे, और ये लहसुन है हमारे 8 से 10 जवे लहसुन के हैं जो हमने छील लिए हैं। आधा चम्मच हमारा ये जीरा है, और ये थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े हैं, आधा चम्मच से कम हमारी सौंफ है, और हमने इतनी ही सौंफ तड़के के लिए रख ली है क्योंकि तड़का इसका बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। और ये हमारी सरसों हैं जो आधा चम्मच से कम लिए हैं हमने, आधा चम्मच से कम ही हमने ये कलौंजी ली है, और 5 हमारी ये छोटी इलायची हैं जिनसे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये सब हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। और 2 हमने हरी मिर्चें ली हैं, अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन प्याज का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप एक बार प्याज के और लहसुन के साथ इसको बनाएंगे तो आप भी को ये बहुत टेस्ट बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छी लगेगी ये आपको रेसिपी। ये देखिए हमने अपना मसाला पीस लिया है, आइए तेल गरम करते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इसमें तड़के में ये सौंफ है हमारी, ये डालेंगे, इसका जायका बहुत ही टेस्टी आता है तड़के में। और थोड़ी सी हींग डाल देंगे, ये देखिए थोड़ी सी हींग डालेंगे, और अपना मसाला डाल देंगे हम ये जो हमने पीस के तैयार किया है। ये देखिए हमने अपना सारा मसाला पिसा हुआ उसमें डाल दिया है, और अब ये हम नमक डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं, और आधा चम्मच हमारा ये जिंजर पाउडर है यानी सौंठ का पाउडर, अदरक का पाउडर, ये डाल देंगे। और इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, जब ये खूब अच्छे से भून जाए मसाला तेल छोड़ने लगे उस वक्त हम फिर हम इसमें अपने आम डालेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से, हमारे मसाला अच्छे से भून रहा है, और इसको चला के रहना है हमें जिससे ये कढ़ाई में नीचे से जल ना जाए, और जब तक ये तेल ना छोड़ दे अच्छे से हम इसको भूनते रहेंगे। जितना मसाला अच्छा बनेगा इतनी ही सब्जी भी अच्छी बनेगी। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, देखिए खूब अच्छे से इसमें तेल निकल रहा है, ये देखिए आप। अब इसमें हम अपने कच्चे आम डाल देंगे,
थोड़ी देर हमें इसी मसाले में इसी तरीके से भून लेना है। ये देखिए हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से इसमें भून लिया है अपने आम को। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये 1 गिलास यानी 1 गिलास पानी है, इसे सभी को डाल देंगे इसमें। अभी इसमें हम 1/2 गिलास पानी और डालेंगे, देखिए 1/2 गिलास पानी और डाल दिया है हमने। अब इसको हम फुल फ्लेम करके और पकाएंगे, तब इसमें पक्कन आएगी तो कम कर लेंगे अपने गैस को। फिर इसमें हम अपनी गुड़ और चीनी डालेंगे। ये देखिए हमारी लोज पक रही है, सब्जी हमारी पक रही है, इसमें हम चीनी डालेंगे। ये देखिए हमने चीनी 1 कप चीनी ली है, 1 से 1.5 कप चीनी है। और हमने गुड़ लिया है जो जिसको हमने छोटा छोटा तोड़ लिया है, टुकड़े कर लिए हैं इसके, और ये भी डालेंगे। गुड़ और चीनी मिलके इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहे गुड़ डाल सकते हैं या खाली चीनी भी डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे बना सकते हैं। ये देखिए चीनी डाल देंगे और ये गुड़ भी डाल देंगे। और इसको पकने देंगे, तब तक हमारी आम भी अच्छे से ना गल जाए। वैसे इसके पकने की पहचान होती है, ये आम भी जो है ये टुकड़े मोटे मोटे हो जाएंगे फूल के, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये अब गल चुकी है, आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल गल गई है और अब फूल भी गई है। ये देखिए मोटी हो चुकी है, अब देखिए मोटी गल गई है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं अब ये। अभी हम इन्हें 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और फिर उसके बाद ये तैयार है। ये देखिए ये फूल भी चुकी हैं, थोड़ा थोड़ा हम दबा देंगे, मैश कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमें इनको मैश। देखिए हमारे आम बनकर तैयार हो चुके हैं, ये बहुत टेस्टी बने हैं। आइए आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप भी ऐसी ही लजीज और टेस्टी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, और इस अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है।